आज हम बहुत दिनों के बाद हमारे गांव में ऐसे दूध लेने के लिए जा रहे हैं। और अब एक छोटा सा गांव का आपको टूर भी कराएंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो ये जो भी आपको दिख रहा होगा, ये गांव की वाड़ी है। इसके अंदर हर छोटे मोटे फंक्शन होते हैं। अंदर खेलने के लिए पिच भी है, अगर किसी को कुछ खेलना हो तो। पर अभी तो कोई खेलता नहीं है ज़्यादा, लेकिन इधर ही हर छोटा मोटा फंक्शन होता है। और वो जो पीछे आपको दिख रहा है वो मंदिर है। तो कुछ इस प्रकार का है। और मंदिर के पीछे दूध की डेयरी है। तो फिर हमने इधर दूध ले लिया है और अब सीधे चलते हैं घर। रास्ते में कुछ होगा तो पक्का दिखाऊंगा, लेकिन कुछ होगा नहीं। वो मैं तो जब लास्ट टाइम में आया था तब ये सारे कुत्ते हम पे भौंक रहे थे। और इधर वो है, इधर सब उकेला डालते हैं। उकेला का मतलब वो जो गाय भैंस की टट्टी होती है उसका इधर फर्टिलाइजर बनाने के लिए डालते हैं। तो ये जो भी डार्क कलर का होगा, ये कुत्ते के मेरे को बहुत सारा है, पता नहीं चल रहा। ये आप देख सकती हो, तो बहुत खराब हालत करी थी हमारी मेंटल। आज कुछ नहीं की, अच्छी बात है। तो भी हमने नहा लिया है दोस्तों, और पढ़ने के बाद सीधा आपसे मिलते हैं। चलिए। तो अभी बज रहे 3 और सुबह 8 बजे पढ़ने के बाद मैंने जो थोड़ा टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया वो, उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड की थी गैस सिलेंडर की, तो वो भी आप देख लीजिए। और उसके बाद बाकी का दिन का हम आगे शूटिंग करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि वो गैस की बोतल रास्ते पे क्या कर रही थी, तो एक्चुअली वो गैस की बोतल खाली हो चुकी है और आज उसको रिफिल करने के लिए वो गैस वाले आने वाले हैं। तो उसमें ऐसा गांव में ऐसा कुछ ऐसा किसी का घर का पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होता कि आपका घर ये है और ये आपके घर का एड्रेस है। ऐसा किसी का घर पर नंबर या किसी गली का नाम नहीं होता। तो उसमें ऐसा होता है कि आपको आपके गाँव में कुछ 3-4 पॉइंट्स या लोकेशन दिए होते हैं, वहाँ पे वो गैस की गाड़ी आके रुकती है। और उधर जो भी आपका सबसे नियरेस्ट पॉइंट हो गांव में, उधर जाके आपको गैस की बोतल रख देने की है। फिर जब वो गैस की बोतल वाला आएगा तब वो आपको कॉल करेगा, और उसके बाद आप उधर जाएंगे, गैस की बोतल रिफिल कराएंगे और जो भी चार्ज या फीस होगी वो आप दे के आओगे। तो गाँव में कुछ इस प्रकार की होती है। तो अगर आप किसी के गाँव में ऐसे वो गैस की बोतल ऐसे कहीं पर भी देख लो, तो ऐसे चौक मत जाना, वो खाली होगी और उसको रिफिल करने के लिए वो कंपनी वाले आने वाले होंगे। तो कुछ इस तरह का लॉजिक होता है गांव में। तो अभी पढ़ते पढ़ते मैंने एक बात नोटिस की कि अभी ऐसे कोरोना का पीरियड है और एग्ज़ाम्स भी बहुत डिले हो चुके हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कितने दिन हम और पढ़ेंगे इतना सब। बिकॉज अभी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है हमारे लिए, स्पेशली जो भी 12th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए।
और हमारी कंप्लेंट्स भी एकदम लेजिट है कि भाई और कितना पढ़ेंगे, या तो एग्ज़ाम कैंसिल करो या तो ले लो जल्दी। लेकिन लगता नहीं कि कोई अभी जल्दी लेगा एग्ज़ाम। लेकिन फिर मैंने एक बार नोटिस की कि हम घर पे बैठकर हमें पढ़ना है। लेकिन एक बच्चा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चा देख रहे हो, इसकी जैसी हालत ना हो जाए, क्योंकि ये तकरीबन 10-11 साल का ही है और धूप में इतनी मेहनत कर रहा है, और हमारी हालत उससे बहुत अच्छी है कंपेरेटिवली। जैसा कि आपने देखा, उस बच्चे से तो काफ़ी बेटर है हम, और हमें थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ानी चाहिए और कंप्लेन कम करनी चाहिए। तो यही बात कहनी थी। सकते हैं उधर मोर आया है, ना तो हमने इधर कुछ रोटी रखी है, अब देख सकते हैं ये पत्ते के बाजू में, तो मोर शायद वो खाने आ सकता है। उधर कुत्तों की बवाल हो गई है और ये हमारे मोर भी भाग रहे हैं। हरामी कुत्ते, बा रोटी ला दे, रोटी ला दे, रोटी लाए ना बा। अरे आलो को रोट बस है।